हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का 11, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.4 का क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू द पावर 6x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, उधर हम लोग कुछ पढ़े थे फॉर्मूले, मतलब नियम की किसमें क्या पुट करना है। तो याद कीजिए, जब बताया गया था जब साइन और कॉस दोनों का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या करना था वहाँ पे, मतलब ना ही साइन और कॉस दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो तब क्या करना है। यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे टेन। और उसमें एक नियम और इसी तरह एक था कि यदि इन दोनों का पावर ऐड करें और यदि पावर, मतलब सम ऑफ पावर्स यदि जोड़े तो क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या पुट करेंगे, टी बराबर टेन एक्स। तो लेट पुट कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन बाय सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स। देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन का पावर 4x बाय कॉस का पावर 6x एंड डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। इससे कट जाएगा तो यहाँ पावर 4 बचेगा, हो जाएगा साइन का पावर 4x बाय कॉस का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू टी। साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4, ये कितना जाएगा टेन का पावर 4x डी टी। एंड टेन एक्स को हम लोगों ने जेड माना था तो जाएगा टी रेज टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू टी, हो जाएगा टी का पावर 5 प्लस सी। देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन का पावर 5x बाय 5 प्लस सी। ये कितना नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। अब जो है उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कॉस एक्स बाय साइन का पावर 5x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 21 में। अब सोचिए इसमें क्या पुट करने से हम लोग को बेनिफिट है। यदि यहाँ पे है कॉस एक्स है, साइन का पावर 5 है, तो साइन का पावर 5 को थोड़ा सा हम लोग, चलिए इसको पहले लिखते हैं, लेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू कितना है, रूट अंडर कॉस एक्स बाय साइन का पावर 5x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ये हो जाएगा रूट अंडर कॉट एक्स। अरे पावर 4 यदि रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ये हो जाएगा कॉट एक्स और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर एक्स। सिर्फ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसको पुट करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है। कॉट को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो कॉसेक स्क्वायर है यहाँ पे दिख रहा है, तो पुट कर देते हैं टी इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस डी टी इज इक्वल टू यह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर डी एक्स। देयर फोर
आई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टी, और इसके यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस डी टी, तो जाएगा माइनस हो जाएगा टी का पावर हाफ डी टी, माइनस इंटीग्रेट कर दीजिए, वन बाय टू प्लस वन हो जाएगा थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू प्लस सी, माइनस टू का टू बाय थ्री और इंटू टी का पावर थ्री बाय टू प्लस सी, और इस टी का वैल्यू सिर्फ पुट कर दीजिए, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री, एंड टी को क्या माने थे कॉट को टी माने थे, कॉट का पावर हो जाएगा थ्री बाय टू एक्स प्लस सी, हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको उसको सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय फोर साइन टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। अभी देखिए इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, साइन टू एक्स को आप ब्रेक कर दीजिए, लेट आई इज इक्वल टू जगह वन बाय फोर साइन टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हो जाएगा इंटीग्रेशन फोर साइन टू एक्स का हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हो जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर है, इसको ले आते हैं ऊपर, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव टेन का डेरिवेटिव से का स्क्वायर प्रेजेंट है, तो पुट कर देते हैं टी इज इक्वल टू टेन एक्स, तो हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा से का स्क्वायर एक्स डी एक्स, देयर फोर आई इज इक्वल टू, अब मेरा हो जाएगा ये तो वन बाय एट है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डी टी बाय, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम लोग को यहाँ से टेन एक्स बराबर है टी, अब इसको वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें टी के टर्म में, तो यदि डायरेक्ट फार्मूला यदि है तो सही है, अन्यथा यदि इसका हम लोग तरीका है, यदि टेन एक्स यहाँ पे है टेन एक्स इज इक्वल टू टी मतलब पी बाय बी, यहाँ से यदि एच का वैल्यू होगा तो कितना होगा वन रूट अंडर वन प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से यदि वन बाय एट हो जाएगा डी टी साइन एक्स का कितना पी बाय एच, तो P मेरा कितना है टी, हो जाएगा टी बाय रूट अंडर वन प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स का वैल्यू कितना है बी बाय एच, तो B कितना है वन, तो वन बाय रूट अंडर वन प्लस टी स्क्वायर, चांस हो जाएगा वन बाय एट हो जाएगा डी टी बाय टी इन टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो जैसे अभी मिला तो वहाँ पर डायरेक्ट पुट नहीं होगा, तो डायरेक्ट वैल्यूज को भी पुट कर सकते हैं, तो देयर फोर यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन बाय एट इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर बाय टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, हो जाएगा वन बाय टी अलग अलग कर दीजिएंगे तो वन बाय टी प्लस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, हो जाएगा वन बाय टी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, हो जाएगा वन बाय टी का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग टी प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब जो है सिर्फ टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू कितना था टेन था, तो हो जाएगा टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था 22। अब जो है आंसर में क्या क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, यदि मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि हम इसको इसका आंसर और कुछ अलग भी आ सकता है, क्योंकि ये मेरा क्या है इनडिफिनिट इंटीग्रल है, यदि हम लोग मेथड अलग यूज करेंगे तो उसका आंसर भी क्या होगा अलग हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
रूट अंडर टेन एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये दिया गया है। सिर्फ को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। वही जो है लेट आई इज इक्वल टू रूट अंडर टेन एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करते हैं इसमें हम लोग कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा कॉस एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये सवाल आता है कि इसको आप इस तरह क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना हो जाएगा टेन एक्स, और कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर टेन एक्स बाय टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस रूट से एक रूट कटेगा और वन बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा सेक स्क्वायर, तो जगह सेक स्क्वायर एक्स इस रूट से यहाँ पे रूट कटेगा तो पावर हाफ बचेगा, तो होगा रूट अंडर टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सिंपल क्या कर दीजिए, इसको टेन एक्स को टी पुट कर दीजिए, ये पूरा पूरी आपका आ जाएगा सिंपल। चलिए इसको आप खुद से कर लीजिएगा, यहाँ से कल टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर आपका सिंपल आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब जो है 24, क्वेश्चन नंबर 24 इसको जो है मेन इसको है सिंपलीफाई करना। साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि इसको आप सिंपलीफाई यदि कर लिए तो आप इसका आंसर आपको आ जाएगा। लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का पावर 6 को ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, कॉस का पावर 6x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, और हो जाएगा बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये कुछ फॉर्मेट में आया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आया है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी हम लोग पढ़े हुए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम लोग बस इस फार्मूला पे हम लोग यदि पुट कर दें तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा ए एक्स कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इंटू ए स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका वैल्यू हो गया वन, तो वन अब इसको समझिए ए इसको समझिए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी लिख सकते हैं हम लोग कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसको अब ब्रेक करते हैं, इसका वैल्यू तो वन हो गया तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए इसका वैल्यू हो गया वन, तो वन का स्क्वायर हो गया वन, तो वन का स्क्वायर वन माइनस माइनस टू और माइनस वन ये हो जाएगा माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या कर दीजिए सिंपल अलग अलग कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन वन बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा पूरी कट गया। अब हो गया अलग अलग कर दे, वन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस थ्री हो जाएगा डी एक्स। अब सिंपल यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को एक ही हल उसका पुट कर दे तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और वहाँ से इसको बदल दें कॉसेक के टर्म में, मतलब साइन के टर्म में, साइन के फार्मूला में, या तो फिर क्या कर सकते हैं आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, वो हम लोग के अपने मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी। देखिए यदि यहाँ पर टू होता तब मेरा फार्मूला में आता, तो टू से कर दिए हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो टू से मल्टीप्लाई नहीं किए, फोर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो फोर से डिवाइड भी कर दिए ऊपर में माइनस थ्री एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा फोर बाय कितना हो जाएगा साइन टू एक्स, हो जाएगा साइन टू एक्स का स्क्वायर डी एक्स भी है डी एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी। ए अब कितना हो जाएगा फोर इंटीग्रेशन वन बाय साइन स्क्वायर टू एक्स डी एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी हो जाएगा फोर, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टू एक्स डी एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी, एंड कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट, तो माइनस फोर ये हो जाएगा कॉट टू एक्स, और x का कोफिशेंट है 2, तो 2 से डिवाइड माइनस थ्री एक्स प्लस सी, तो कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस टू कॉट टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन कितना हो गया 24 का 24। इसका आंसर जो है कुछ अलग करके दिया हुआ है, ये आंसर नहीं दूसरा फॉर्मेट में है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मतलब वहाँ पे मेथड चेंज कर दिया होगा, पुट करके बनाया होगा, सब्स्टिट्यूट करके बनाया होगा, उसमें अलग आंसर आएगा। तो ऐसे आपको इनडिफिनिट इंटीग्रल है, आप मेथड अलग कीजिएगा, प्रोसेस अलग कीजिएगा, आंसर भी क्या होगा अलग अलग आएगा, तो इसे ज़्यादा घबराना नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि इसका नाम ही है इनडिफिनिट इंटीग्रल। यदि इसी यही चीज़ रहता डिफिनिट इंटीग्रल मतलब लिमिट रहता तो क्या कहता, उसका जो वैल्यू कोई भी मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते तो आंसर क्या होता सेम, कब इनडिफिनिट सॉरी डिफिनिट में, लेकिन ये हम लोग का इनडिफिनिट है इसलिए आंसर अलग अलग आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26, 25 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का पावर 4x dx एंड क्वेश्चन नंबर 26 सेम क्वेश्चन है इसलिए लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कॉस का पावर 4 2x dx। अब दोनों को बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, एक बताएंगे दूसरा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यदि 25 का सॉल्यूशन करें, लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू कॉस का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिख सकते हैं वो ऐसा कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर dx, एंड कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टू एक्स बाय टू का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि इसको अलग अलग करेंगे हो जाएगा 1 बाय फोर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बाय फोर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टू ए बी मतलब 2 कॉस टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1 बाय फोर 1 प्लस टू कॉस टू एक्स प्लस इसको इसको यदि लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस फोर एक्स बाय टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई यदि जो भी करें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस फोर कॉस टू एक्स प्लस 1 प्लस कॉस फोर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा 1 बाय एट टू और 1 3 प्लस 4 कॉस टू एक्स प्लस कॉस फोर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
ये हो जाएगा 1/8, अलग अलग सबको कर दीजिए, इंटीग्रेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 1/8 3x प्लस 4 इंटू कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x बाय 2 प्लस कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x बाय 4 प्लस सी। अब सिंपल क्या करना है, अब इसको जो है वैल्यू सिंप्लीफाई कर दीजिए, कटेगा ये ना, हो जाएगा 2 1/8 3x प्लस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस सी। और इसमें ज़्यादा कर सकता है तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर सकता है। एक बार आंसर मिला ले कैसे दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो हो जाएगा देयर फोर आई इज इक्वल टू 3x बाय 8 प्लस, ये हो जाएगा साइन 2x बाय 4 क्योंकि यहाँ पे कटेगा कट जाएगा वह, ये हो जाएगा साइन 4x बाय 8 फोर जा 32 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है, 2x है, सिर्फ एंगल में चेंजिंग होगा और डबल होते जाएगा, बनाने का प्रोसेस तो सेम रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज था 19.4 हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब इसी के आगे हम लोग को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ही पढ़ना है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा जब साइन का पावर एम एक्स एंड कॉस का पावर एन एक्स था तब हम लोग कैसे पुट करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे। अब यहाँ पे पढ़ना है टेन का पावर एम और सेक का पावर एन। चलिए इसको नोट कीजिए, अभी इसको डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब जो हम लोग को डिस्कस करना है सब्स्टिट्यूशन में ही, यदि इफ़ इंटीग्रेशन टेन का पावर एन एक्स इंटू सेक का पावर एम एक्स रहे, टेन का पावर यहाँ एम है यहाँ पे एन, या तो दूसरा उसी में है कॉट का पावर एम एक्स इंटू कॉसेक का पावर एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह रहे। तब हम लोग जिस तरह से अभी मतलब जब हम लोग का इंटीग्रल इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इफ़ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन टेन का पावर एम एक्स सेक का पावर एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे कैसे पुट करना है। यदि इसमें देखना है पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, पहला इफ पावर ऑफ, यदि पावर किसका रहेगा सेक एक्स का, इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट जेड बराबर कितना टेन एक्स, यहाँ जेड बोले हैं हम लोग टी पुट करते हैं, हम लोग या तो टी पुट कीजिए पी पुट कीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि सेक एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा मतलब स्क्वायर होगा, पावर फोर होगा, पावर सिक्स होगा, इस तरह से तो पुट कर देंगे जेड बराबर क्या चीज़ टेन एक्स। यदि इफ़ द पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा में यदि इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, यदि सेक का पावर जो है ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर नॉट इवन पॉजिटिव क्या इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर ना Not even positive integer, यदि sec का power जो even positive integer नहीं होगा then see the power of tan x, then see the
पावर ऑफ 10x, तब क्या देना है, जिस एक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो हम लोग को देखना है पावर ऑफ किसका, 10x का। यदि सेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर पुट कर देंगे 10x, यदि सेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं बल्कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे तब देखना है सेक 10 का पावर क्या है। इसमें फिर दो कंडीशन क्या है, इफ़ द पावर ऑफ 10x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसमें यदि इफ द पावर ऑफ 10x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट कर दीजिएगा z बराबर सेक x। यदि यहाँ पे दो कंडीशन, यदि पावर सेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर पुट कर देंगे 10x, यदि सेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो हम लोग को 10 का पावर देखना है कि उसका पावर क्या है। यदि उसमें पहला कंडीशन, यदि उसका पावर होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा 10x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या पुट कर देंगे सेक x। और यदि इफ़ द पावर ऑफ 10x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, यदि बी नंबर में इफ द पावर ऑफ 10x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, यदि 10x का पावर ऑड ना बल्कि इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा देन पुट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इन प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, देन पुट सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इन प्लेस ऑफ कितना 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पर क्या रख देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड देन सब्टीट्यूट जेड बराबर कितना 10x। तब हम लोग को क्या करना है तो जेड बराबर क्या पुट करेंगे 10x। पहले इसको जो इस फॉर्मेट में 10 का पावर यदि इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, 10 का पावर क्या होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका पावर उसको हम ब्रेक कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और तब पुट करेंगे जेड बराबर कितना 10x। तीसरा केस में जो है, यदि 10 पावर ऑफ 10x यदि हो जाएगा 0 एंड पावर ऑफ सेक x होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तब जो हम लोग क्या होता है उसको हम लोग बायपार्ट के द्वारा पढ़ते हैं, एक मेथड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग को इस फॉर्म में रहेगा। तो दो पॉइंट ध्यान रखना है, क्या चीज़, सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे 10, यदि सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तब देखेंगे 10 का पावर। देखिएगा 10 का पावर यदि होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट कर देंगे सेक एक्स, 10 का पावर यदि इवन पॉजिटिव इंटीजर तब 10 स्क्वायर का वैल्यू जो होता है क्या पुट कर देंगे 10 स्क्वायर के यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तब पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड बराबर 10x। सिमिलर सिंपल इसी प्रकार से कंडीशन, यदि यहाँ पे इसको मिटा दें, इस कंडीशन को ले लें, कॉट का पावर एम एक्स इंटू कॉसिक एक्स, कॉसिक का पावर कितना एन एक्स, तो सिमिलर इसी प्रकार इसमें भी है, यदि इफ द पावर ऑफ कॉसिक एक्स, यदि क्या हो जाएगा इफ द पावर ऑफ कॉसिक एक्स इज क्या होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा पुट कर देंगे कितना कॉट एक्स, जेड बराबर कॉट एक्स। यदि इफ द पावर ऑफ कॉसिक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर तब क्या करेंगे सी द पावर ऑफ किसका कॉट एक्स, तब यहाँ पे फिर से किसका पावर देखेंगे, सिमिलर तरीका है कॉट एक्स का पावर। यदि इफ द पावर ऑफ कॉट एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट कर देंगे कितना जेड बराबर कॉसिक एक्स, तब जेड बराबर क्या पुट कर देंगे कॉसिक एक्स। यदि इफ द पावर ऑफ कॉट एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वन इन प्लेस ऑफ कितना कॉट स्क्वायर एक्स देन सब्स्टिट्यूट जेड बराबर कितना कॉट एक्स। तो सिंपल दोनों जो तरीका है
बिल्कुल सेम प्रोसेस है, टेन मतलब कॉट और कोसेक का प्रोडक्ट रहेगा और टेन और सेक का रहेगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक का पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखिए यहाँ पे अब देखना है किसका पावर, तो देखिए सेक एक्स का पावर, सेक एक्स का पावर क्या है, फोर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। सेक एक्स का पावर फोर बताइए, इवन पॉजिटिव इंटीजर, पुट क्या कर देंगे, टी इज इक्वल टू, तो जेड इज इक्वल टू टेन एक्स। तो सिंस पावर ऑफ सेक एक्स इज फोर, दैट इज इवेन पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, देयर फोर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स, देयर फोर हम लोग को हो जाएगा आई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक का पावर 4x डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स, एक कटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम लोग को सेक स्क्वायर को बदलना है टेन स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी टी हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी का पावर फोर विथ रिस्पेक्ट टू टी, अलग अलग कर दीजिए, टी स्क्वायर डी टी प्लस टी का पावर फोर डी टी इंटीग्रेट कीजिएगा तो टी क्यूब बाय थ्री प्लस हो जाएगा टी का पावर फाइव बाय फाइव प्लस सी, देयर फोर आई इज इक्वल टू टी का वैल्यू पुट कर दीजिए टेन एक्स, तो हो जाएगा टेन क्यूब एक्स बाय थ्री प्लस टेन का पावर फाइव एक्स बाय फाइव प्लस सी, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो बनाने का जो तरीका जो है, तो इसमें भी सिर्फ देखना है पावर कि टेन एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, यह सारा कुछ अभी हम लोग जैसा कि नियम अभी बताए थे। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 19.5, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।